नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारी बारिश पर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की है, इमरजेंसी बैठक ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने हाल जाना, जिलों के हालातों की समीक्षा की गई है और राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जब जरूरत हो तब फौरन टीम वहां पहुंच जाए, ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हुए हैं। और क्योंकि लगातार देखा जा सकता है कि किस तरीके से बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है, जल जमाव की स्थिति है कई जगहों पर, तो लोग परेशान हो रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से घरों में पानी घुस रहा है और अब इमरजेंसी बैठक भारी बारिश को देखते हुए बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो जिलों का हाल है वो जाना है और साथ ही समीक्षा की गई है, राहत बचाव के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल एमपी को बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी, ये भी बता दें आपको, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी बारिश होगी, इसलिए थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बारिश में अभी कोई राहत नहीं मिलेगी ये तो मौसम विभाग ने कह दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो इमरजेंसी बैठक बुलाई इसमें उनकी बड़ी बातें क्या थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर, एसपी और संभागीय कमिश्नर के साथ जो है वो बैठक लगातार चल रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रभावित जिले हैं उनके कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके इलाके में किस तरह के जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, खासकर फसलों के नुकसान को लेकर हो, मवेशियों की मौत को लेकर हो, या फिर जिन इलाकों का संपर्क है मुख्य मार्ग से कट गया, मुख्यालय से कट गया, तो वहां की क्या स्थिति है, कौन कौन से मजरे टोले हैं या गांव है, उन सबकी जानकारी उनके द्वारा ली गई। इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से फौरी तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है या फिर उनको दूसरी जगह विस्थापित अभी कुछ दिन के लिए किया गया, तमाम जो जानकारियां हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सिलसिलेवार जो अलग अलग जिले से जो अधिकारी जुड़े हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं। और देखिए, अब से कुछ देर बाद जब वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे तब इस बात का स्पष्ट और हो जाएगा कि और क्या क्या निर्देश दिए हैं, लेकिन जो अंदर से जो लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी है उसके अनुसार यही है कि अभी जानकारियां वो जुटा रहे हैं और सभी को ये निर्देश भी दे रहे हैं कि जो भी आवश्यकता पड़े, स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जिन बांधों से अगर आप पानी छोड़ रहे हैं तो पहले अलर्ट जारी करें ताकि निचले इलाकों में किसी तरह की कोई परिस्थितियां देखने को ना मिले कि वहां जल भराव हो जाए और स्थानीय लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाए कि पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। तो तमाम जो इंतजाम हैं बारिश से बचने के वो करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि राजधानी भोपाल के कंट्रोल कमांड सेंटर से भी पल पल की निगरानी जो है बाढ़ को लेकर की जा रही है, बारिश को लेकर की जा रही है, और अगर किसी तरह की कोई भी आवश्यकता हो, चाहे एसडीआरएफ को लेकर हो, एनडीआरएफ को लेकर हो या दूसरी तरह की कोई आवश्यकता हो उसको लेकर तत्काल वो सरकार से संपर्क करें ताकि समय रहते जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक जो है वो सुविधाएं उन तक पहुंचाए दी जाए, उन तक मदद पहुंचा दी जाए, मदद के अभाव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये निर्देश सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज की बैठक में दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री की जो ये इमरजेंसी बैठक है इसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि जब भी जरूरत हो तो फौरन जो राहत बचाव टीम है वो मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम साई की। सीएम साई ने अफसरों को कहा है कि जन समस्याओं पर तुरंत एक्शन ले। कलेक्टर और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि छोटी मोटी समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझाएं, छोटी मोटी समस्याओं के लिए लोगों को राजधानी में न आना पड़े, जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को अफसर गंभीरता से ले। भाषा को लेकर अफसरों को संयम बरतने की भी हिदायत दी गई है, गलत भाषा बोलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बैठक में भाग लेने सीएम साय तय समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। सारंगढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और क्या कहा उन्होंने आकाश से जानेंगे। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं आकाश शुक्ला। आकाश, मुख्यमंत्री हालांकि पहले ही पहुंच गए मीटिंग में और इससे समझ में आता है कि वो काफी विचार विमर्श कर रहे होंगे कि आखिर कैसी कानून व्यवस्था हो रखी है, या वो बहुत जल्द कहना चाहते थे अपने दिल की बात कि बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी हो चाहिए। क्या कहा मुख्यमंत्री ने आगे?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक ले रहे हैं विभिन्न विभागों की, और ये मामला जो है वो राजस्व विभाग का है। पहले भी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि राजस्व मामलों में निराकरण नहीं हो रहा है, कई शिकायतें लंबित थी जिसका लंबे समय से मांग भी चल रहा था। मंत्री के सामने लगातार शिकायत पहुंच रही थी क्योंकि पूर्व सरकार का मामला था, आम लोगों से जुड़ा ये पूरा मामला रहा है। समीक्षा के दौरान भी, इससे पहले भी जो है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए थे कि तमाम जो राजस्व से लंबित शिकायतें हैं, मामले हैं, उनका समय पर निराकरण किया जाए ताकि आम लोगों को समस्याएं ना हो। लेकिन जिलों से लगातार शिकायत आ रही थी कलेक्टर के पास, और कलेक्टर से फिर उसके बाद जनदर्शन में लगभग जो मैक्सिमम मामलों की शिकायत थे वो राजस्व को लेकर। तो इस पे जो समीक्षा बैठक ली गई, तमाम कलेक्टर को और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तय सीमा में पूरा हो, और जो जो शिकायत आई है एक एक शिकायतें बिंदुवार बताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। कलेक्टर को कहा है कि जल्द से जल्द मामले का निराकरण हो। सारंगढ़ जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है लंबे समय से राजस्व के मामले लंबित हैं, मंत्री के पास भी इसकी शिकायत पहुंची। अब जो समीक्षा बैठक में जो रिपोर्ट आई है उस पे साफ तौर पर कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इसकी रिपोर्ट तैयार करें, एक महीने के अंदर तमाम जो राजस्व के मामले हैं उसको निपटाया जाए। अगर नहीं निपटाते हैं तो अधिकारी पर, राजस्व अधिकारी पर, RI पर और जो संबंधित अधिकारी है सभी पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जी बिल्कुल, लेकिन कौन से वो ऐसे अहम विभाग थे जिन पर फोकस रहा मुख्यमंत्री का? आकाश देखिए, अभी समीक्षा बैठक लगातार चल रही है और हर विभागों की समीक्षा चल रही है, योजनाओं की समीक्षा चल रही है, तो एक एक करके तमाम जो विभाग हैं वो सामने आते जाएंगे, सभी की बिंदुवार समीक्षा होगी, उसके बाद वो रिपोर्ट सामने आएगा। क्योंकि हर एक योजनाओं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोकस आता है, चाहे वो गृह विभाग का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, राजस्व विभाग का हो, उद्योग का मामला हो, या फिर अन्य जो विभाग हैं उसको लेकर। तो तमाम विभागों से बिंदुवार जो है वो चर्चा का सिलसिला भी चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। इंदौर की बात करेंगे जहां आर्मी ऑफिसर से लूट और गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़गोंदा और मानपुर इलाके के रहने वाले हैं आरोपी। एक लड़की का पुलिस ने मेडिकल टेस्ट भी कराया है। आरोपियों की पहचान हो गई है, 6 आरोपी हैं और इनकी पहचान हो गई है। बड़ा अपडेट ये कि आरोपियों की पहचान हो गई है, तो ऐसे में पुलिस को इन पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। और इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और दोनों ही पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। 6 आरोपियों की पहचान हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर का बताया जा रहा है जहां आर्मी ऑफिसर से लूटा गया और डराया धमकाया भी गया, जिसके बाद गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है और दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़गोंदा और मानपुर, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां के आरोपी रहने वाले हैं। एक लड़की का पुलिस ने मेडिकल टेस्ट भी कराया है। फिलहाल 6 आरोपी की पहचान हुई है। ये 6 आरोपी कहां के रहने वाले थे, किस इलाके से जुड़े हैं, अब इस बारे में जांच पड़ताल अभी चल रही है। मिथिलेश संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ पुलिस को हाथ लगा है, क्या कुछ पुलिस को अब तक पता चला इस मामले में? देखिए, न्यूज 18 ने सबसे पहले पूरी घटना को लेकर जानकारी दी थी और न्यूज 18 ने ही सबसे पहले बताया था कि दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपियों पर पूर्व में कई आपराधिक रिकॉर्ड है। सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो भी आरोपी पकड़ाए हैं उन पर पहले से कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं, यानी ये आदतन अपराधी हैं। और हमने ये भी कहा था, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही बताया था कि 6 आरोपी हैं और 6 आरोपी में दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 4 जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। घटना स्थल जो है वो जाम गेट के बिल्कुल पास में जो फायरिंग रेंज है, फायरिंग रेंज से लगा हुआ है, और ये जो आरोपी है उसी क्षेत्र के 15 किलोमीटर के जो एरिया है उसके अंदर रहने वाले लोग हैं। यानी इस जगह को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वारदात करने पर छुपना कहाँ है, भागना कहाँ है। उनके घरों पर दबिश दी जा रही है, उनके जो परिचित है उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक ये पुलिस कहते नहीं चढ़े हैं। लेकिन पुलिस ने बहुत साफ क्लियर किया है, 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी
दो लोगों को यानी एक महिला मित्र को और एक ट्रेनिंग ऑफिसर को पैसे लेने भेजा गया था। एक ट्रेनिंग ऑफिसर और एक महिला मित्र को पंथक बना लिया गया था। जो महिला थी उस महिला को नीचे सुनसान इलाके पर लेके गए और जब लौट कर लेकर आए तो हालत ठीक नहीं थी। जो कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी से सने कपड़े थे, शरीर पे कई चोट के निशान थे, इसीलिए गैंग रेप की आशंका व्यक्त की गई थी। अब पूरे मामले की जांच चल रही है। पीड़ित जो है वो सदमे में है, घबराई हुई है, खौफ में है और वो इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि अपने बयान दर्ज करा सके। जो ग्रामीण एसपी है उन्होंने कहा कि अभी तक उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन जांच जारी है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही और क्योंकि पहचान छह आरोपियों की हो गई है तो बहुत जल्द जो है ये छह आरोपी जितने भी जिनकी पहचान हुई है उन्हें जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।